हर सोमवार की तरह इस सोमवार को भी देहरादून डीएम एस मुरुगेसन ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम एस मुरुगेसन ने बताया कि ज़्यादातर जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आ रही है, वहीं स्वास्थ्य नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ रहा है। ज़्यादा इश्यूज जो जमीन से रिलेटेड जनसुनवाई में आता है, मतलब रेवेन्यू विभाग से और एमडीडीए से रिलेटेड और नगर निगम से रिलेटेड, इसके अलावा पानी बिजली उससे रिलेटेड इश्यूज भी ज़्यादा है, बट मेजॉरिटी रेवेन्यू पुलिस नगर निगम और एमडीडी से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा है, प्रॉब्ली वो भी एक कारण हो सकता है। सेकेंड है आपका, देखिए चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देशन के अनुसार हर हफ्ते में हर मंडे मॉर्निंग 10 से लेकर 1:30 बजे कितने बजे भी पेटिशनर्स रहते हैं, उतना समय तक सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के हम बैठते हैं। सो एक अच्छा मौका है, उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब 2-3 डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड इश्यूज है, मतलब एक इश्यू है कभी 2-3 डिपार्टमेंट का अटेंशन जरूरत है उसको सॉल्व करने के लिए, वैसे भी इश्यूज है वो सारे संज्ञान में आएगा तो इमीडिएटली उसमें कार्रवाई किया जा रहा है। और इसमें कुछ इश्यूज जो सर्विस रिलेटेड है वो तो इमीडिएटली सॉल्व आउट हो जाता है, और जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज है इमीडिएटली कहीं पर पानी का लीकेज है, कहीं पर बिजली का कोई इश्यू है, कहीं पे सीवर का कोई इश्यूज है, कहीं पे साफ सफाई का इश्यू है, वो इमीडिएटली हम सभी लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ से इमीडिएटली कार्रवाई किया जा रहा है।